राज बदलेगा, ताज बदलेगा, इस बार दिल्ली के सरकार बदलेगा। अबरी पार नहीं होंगे, उनका गंगा पार कर दिया सब जनता, गंगा पार हो गए। 370 से कोई फायदा, राम मंदिर से नारा दिए कि हम करें कि 15 लाख लोगों को देंगे खाता में, आया पकौड़ा तलवा दिए ना, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, पकौड़ा तलवा दिए ना लोगों को। देश के प्रधानमंत्री जो गुमलाबाजी करके हमारे लड़के लोग पर चला रहे हैं, कहाँ हमारा कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है, कहाँ हमारा क्या हो रहा है, आप देख लीजिए, हर जगह जाके देख लीजिए। तो इसलिए पूरा देश के अंदर में आप देख लीजिए कि देश के अंदर में हमारे से महागठबंधन के सरकार बनेगा। ईवीएम मशीन का भी अल्ट्रासाउंड होता है क्या? मगर कुछ कहते हैं तो, अरे एक महिला को जब बच्चा होना होता है तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चलता है कि बच्चा है कि बच्ची है। ईवीएम में भी अल्ट्रासाउंड होता है, मोदी जी बदलावेंगे। सिफारिश कर रहे थे, उनका गांव में रोड गया है, के परिवार रहेगा ना, भोकला परेशान गांव है, अभी गांव भोकला पर से बोल रहे थे, भोकला परेशान गांव है कि अभी रोड नहीं गया। मोदी के हनुमान है, मोदी के हनुमान है, तो उनका पूछिए कि कौन परिवारवाद है, के वो के टिकट दिए हैं बायली के, टिकट नहीं दिए, केरला दिए हैं, बताइए। अमित शाह जो बीसीसीआई बेटा, अमित शाह अपना बेटा को बीसीसीआई का चेयरमैन क्यों बना दिए? चांदनी चौक पर पकौड़ा तलवाते, अगर वो रोजगार है तो पकौड़ा तलवाते, बढ़िया रोजगार है तब। चाचा जी आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है राम बिलास पासवान। हाँ जी, राम बिलास पासवान, बिलास पासवान जी जी। हाँ, क्या इस बार क्या लग रहा है यहाँ का, क्या लोकसभा इलेक्शन कुछ दिन 7th फेज में है, 7वीं फेज में है, 1 तारीख को वोटिंग है, क्या लगता है यहाँ? नालंदा की जो पावन धरती है, तो आप जानते हैं कि नालंदा के सभी लोग, विश्वविद्यालय नालंदा के तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन नालंदा के जो आम जनता है, चाहता है बदलाव चाहिए। यस, इसीलिए जदयू के प्रत्याशी है और यहाँ गढ़ माना जाता है। जदयू के प्रत्याशी से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि जनता चाहता है यहाँ बदलाव। हाँ, नालंदा में आप समझ लें कि 15 साल से संसद हैं, 15 साल से संसद बिल्कुल है, आम आदमी से पूछ लीजिए कि हम गलत बोलते हैं सही बोलते हैं, 15 साल से संसद हैं, 15 साल के संसद में क्या हमारा कोई गांव में जाकर कभी पार्लियामेंट के अंदर में कभी जाके बोले हमारे सांसद कि हम नालंदा के सांसद हैं? कभी कभी आज तक कभी हम सुने भी नहीं हैं। तो नालंदा के आम जनता या आम पब्लिक चाहता है कि बदलाव हो। आम जनता पूछ लीजिए, हम अगर गलत बोलते हैं तो सही बोलते हैं, आम जनता चाहता है बदलाव कि जे 15 साल से जो संसद कोई रहे और हमारे नालंदा के धरती पर अगर कोई आवाज़ ना दे तो हम चाहते हैं कि बदलाव चाहिए। कौन कौन है, क्या लगता है इस बार? मोदी जी एक तरफ 400 का पार दे रहे हैं, नीतीश जी मिल गए। हमारा जो मानना है कि बोलते हैं नालंदा में 40 में 40 बोलते हैं ना हमारे मोदी जी, और बोलते हैं 400 से पार, तो हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं कहते हैं कि 4000 पार। अरे हमारे जो बिहार के सीएम है क्या बोलते हैं, आम जनता से पूछ लिए, 4000 के पार। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 440 में 40 बिहार में, और उसी बोलते हैं कि बोले 400 पार बोलते हैं ना, बहुत बड़ा नारा दिया है, हर बार रिपीट किया जाता है। तो हम बोलते हैं 400 पार, हमारे मुख्यमंत्री बिहार के बोलते हैं कि 4000 के पार। अरे भाई धोखा, क्या क्या कौन मजा ले रहे हैं? नीतीश कुमार मजा ले रहे हैं 400 पार के नारा का, मजाक उड़ा रहे बीजेपी के 400 पार के नारा का। हाँ ये बात है। हाँ, दोनों मंत्र द्वंद चल रहा है, गठबंधन पूरी तरह से फिट नहीं बैठा है। क्यों फिट नहीं बैठा, क्या आखिर कमी लग रहा है? जदयू बीजेपी को हराने में तुला पर तुला हुआ है, और बीजेपी जदयू को हराने पर तुला हुआ है। ना जदयू है जो बीजेपी के पक्ष में वोट ट्रांसफर करवा रहा है, और ना बीजेपी जदयू के पक्ष में वोट ट्रांसफर करवा रहा है, और ना एलजेपी वाला बीजेपी के पक्ष में ट्रांसफर करवा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है, आप कुछ अलग बोल रहे हैं एकदम। अरे भाई, कौन नहीं जानता है कि कोयरी कुर्मी का नेता माने जाते हैं नीतीश कुमार, और कोयरी कुर्मी है जो हाजीपुर में मीटिंग करके ऐलान कर दिया कि हम चिराग को हराएंगे, 2020 का बदला लेंगे, तो और क्या चाहिए? इसलिए आपको लग रहा है? ऐसा लग रहा ही नहीं रहा, ये मजा ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। हाँ, इस बार है जो नालंदा है जो ज्ञान की भूमि है, अब मौन रहने वाला सांसद को नहीं चुनेगा,
ये 15 साल तक है जो संसद में मौन रहे हैं, एक ही प्रश्न इन्होंने नहीं उठाया है नालंदा के विकास के लिए, नालंदा के सवाल पर, नालंदा के किसानों के समस्या के लिए, नालंदा के मजदूरों के समस्या के लिए। आप इस बार है जो संसद में संदीप सौरभ का आवाज़ गूंजेगा नालंदा, हाँ बिल्कुल संदीप सौरभ के रूप में है जो सांसद बन करके जाएंगे, और संदीप सौरभ जो नालंदा की आवाज को संसद में गुंजायमान। मोदी जी तो बोलते हैं 10 साल में हम पूरा भारत को चेंज कर दिए, डंका बज रहा विदेश में, तो फिर आप ये सब बात बता रहे हैं। भगवान भगवान से कोई अपना बाप चाहे बेटा भी नहीं, बाप चाहे माँ भी नहीं कहता कि मोदी जैसा झूठा मेरे परिवार में पैदा हो। इतना बड़ा कोई आदमी चाहेगा कि मोदी जैसा झूठा मेरे परिवार में पैदा हो? झूठे हमारे प्रधानमंत्री, बिल्कुल झूठा। 100% एक आध बात कैसे कैसे 400 पार का नारा दिए ना, वो झारखंड में नारा दिए थे 60 पार, आया कितना 25, दिल्ली में पार नारा दिए थे 50 पार, आया 8। इसी प्रकार से नारा दिए कि हम करें कि 15 लाख लोगों को देंगे खाता में, आया पकौड़ा तलवा दिए ना, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, पकौड़ा तलवा दिए ना लोगों को। आप अपना बाल बच्चा को चाहे मोदी जी अपना बाल बच्चा को चाहेंगे कि पकौड़ा तले मेरा बाल बच्चा? बोलते वो भी रोजगार है, अपना रोजगार, स्वयं रोजगार, वो भी रोजगार है। तो अमित शाह जो BCCI बेटा, अमित शाह अपना बेटा को BCCI का चेयरमैन क्यों बना दिए? चांदनी चौक पर पकौड़ा तलवाते अगर वो रोजगार है तो, पकौड़ा तलवाते बढ़िया रोजगार है तब। और छूट गया जो हमारा देश के प्रधानमंत्री 2014 में हमारे पार्लियामेंट में शपथ लिए, उन्होंने क्या बोला कि पूरा आमाम इंडिया के आदमी के 2 करोड़ जनता के हम नौकरी देंगे, वो फेलियर हुए। उसको बाद बोले कि काला धन हम ले आएंगे विदेश से, वो फेलियर हुए। बोले 15 लाख हर के खाता में जाएगा, जितना लेडीज साहब खाता में अकाउंट खुलवाया वह हर बैंक में जा कर के, वो हर मोदी जी फेलियर हो गए। और उसके बाद में जितना उन्होंने घोषणा किया, हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक गुमला बोल करके पूरे ठगने काम किया है। बीजेपी पूरा एकदम झूठा पार्टी है, इतना झूठा पार्टी इंडिया में कोई नहीं मिलेगा जो हमारे कुछ बोले देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठा है। हमारे नौजवान पढ़ लिख करके सब रोड में घूम रहा है, ये पकौड़ा बेचने के लिए है सब क्या? बताइए कि जब पढ़ लिख करके लड़का जो हमारे घूम रहा पकौड़ा बेचने के लिए है क्या? यह देश के प्रधानमंत्री जो गुमलाबाजी करके हमारे लड़के लोग पर चला रहे हैं, कहाँ हमारा कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है, कहाँ हमारा क्या हो रहा है, आप देख लीजिए हर जगह जाके देख लीजिए। तो इसीलिए पूरा देश के अंदर में आप देख लीजिए कि देश के अंदर में हमारे से महागठबंधन की सरकार बनेगा, ये मेरा मानना है। क्या लग रहा है इस बार? देखिए सबसे पहले आपको मैं स्वागत करता हूँ इसे सर्वे का। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे विश्व में जान पहचान बन गया है, एक कोई काबिलियत है प्रधानमंत्री देश का बना था। और इस बार जो कह रहे हैं सच्चाई में कि 400 पार, तो छठा चरण में हम लोग 400 के लगभग करीब पहुंच चुके हैं, पहुंच गए हैं। तो सातवां चरण में 400 पूरा एक निकलेगा, 4 तारीख को देखने को मिलेगा। और ये महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो कह रहे हैं, अरे इसका कोई दूल्हा है कि इसका कोई साथी है बराती होगा? इसका कोई दूल्हा बता सकता है कि इसका कौन बराती? आप इसमें जवाब दीजिए। इनका अपना अपना अधिकार है, अब प्रजातंत्र राज है, सबके बोलने के अधिकार के, लेकिन मेरा मानना है कि महागठबंधन की सरकार बनेगा हमारे समझ। बोल तो रहे छठी चरण में हम पार कर दिए। अरे भैया मेरे बात सुनिए, ये गुमलाबाजी अमित शाह के जो गुमलाबाजी चलता है ना, हाँ वो तो कहता है कि तीसरे चरण में 300 हम पार कर गए हैं। इंडिया आप थोड़ा इन लोग पूरे बकवास करके बोल रहे हैं, इनको पता है 4 तारीख का चल जाएगा कि क्या होगा, 400 पार होगा क्या? इतना देर में पता चलेगा, इनको मालूम नहीं है, ये बकवास बात कर रहे हैं, इनको समझदारी में कमी है। मेरा मानना है कि अभी हमारा कुछ बोले महागठबंधन के जो सरकार बनेगा उसे आप देख लीजिएगा। आप ये मशीन का भी अल्ट्रासाउंड होता है क्या? मगर कुछ कहते हैं तो अरे एक महिला को, एक महिला को जब बच्चा होना होता है तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चलता है कि बच्चा है कि बच्ची है। ईवीएम में भी अल्ट्रासाउंड होता है, मोदी जी बदलावेंगे? ईवीएम मशीन में भी अल्ट्रासाउंड होता है जो इनको पता चल गया कि 400 पार है, तो 400 अगर पारे है तो इतना रोड पर कहा लगे आ गए? हवाई जहाज से रोड पर क्यों आ गए? बताइए मोदी जी के बारे में बोल। देखिए
जिस तरह से 2014 में हमारे प्रधानमंत्री का जो जनाधार मिला और उसके अनुसार 2019 में जो जनाधार मिला, उसके बाद 2024 में जो जनाधार मिल रहा है वो आम जनता का जनाधार के माध्यम से बोला कि 400 पार मेरा मिलेगा। आम जनता के अनुसार युवा पूछ लेते के माध्यम जो चलिए युवा युवा क्या लग रहा है? एक सेकंड, फिर तेजस्वी क्या क्यों आखिर क्यों चाह रहे हैं? मोदी जी ने अच्छा लगा? मोदी जी अच्छा नहीं लगा? 10 साल कैसा करे? सब झूठा बाजी है, एक भी काम नहीं किया ना, तो 5 गो काम बतावे बीजेपी के क्या काम किया है? 5 गो जो अच्छा काम बतावे, 5 गो काम बता दीजिए। 5 गो काम आपका बीजेपी का है, आपका 370 धारा है, 370 धारा है, 370 धारा है आपका। आर्थिक स्थिति जो भारत का 5वां स्थान है, प्रथम देश जो है हिंदुस्तान, आपका आर्थिक स्थिति में पहले पायदान 5वां पर आया हिंदुस्तान, उसके बाद पीओ को पहले इन्हीं लोग से बात कर ली। हाँ चलिए आप बताइए कैसा क्या चल रहा है? क्या है इस बार 400 पार होगा? नहीं नहीं, मोदी के 400 पार नहीं होगा। 10 साल कैसे गुजरा? 10 साल बहुत खराब गुजरा, बेरोजगार युवा हो गया, सब पढ़ लिख के सब खत्म हो गया, 5 किलो अनाज पर कुछ नहीं होगा। 34 साल का एक तेजस्वी यादव 70 साल का प्रधानमंत्री के वोट पर दबा दिया और क्या कहेगा आदमी? क्या बोले, सही बोल रहे हैं। देखिए जिस आधार से ऐसा कुछ नहीं, 34 साल रोड पर दौड़ाने का बात नहीं है। एक मेरा मानना है, बोल लीजिए, मेरा मानना है को बदले के भावना से हमारे को जो है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की इन्होंने जेल भेजा, हमारे हेमंत बोलते हैं शराब घोटाला किए हैं, कोई घोटाला नहीं किया है। अरे उनको से बड़ा घोटाला मोदी से घोटाला इंडिया में है। हाँ अम्बानी, अरे वही अम्बानी जो कोरोना के हम लोग के जो इंजेक्शन पड़ा था उतना बड़ा सबके हार्ट अटैक करके मर रहा है जो ये नरेंद्र मोदी, आपने जो वैक्सीन जो लिया आपने ओरिजिनल लिया और आम इंडिया के आदमी के हम लोग वैक्सीन सबके हार्ट के दौरा पड़ के मरा है। और उतना बड़ा घोटाला जो अम्बानी और क्या क्या नाम बोलता है ना, वो उतना बड़ा घोटाला कोई किया है क्या? मोदी जी के बारे में ओरिजिनल लिया सब जनता को, इन लोग का जो विकास हो रहा है तो देखल पड़ नहीं रह रहा, जो सच्चाई में ईडी है जो छापा मर रहा, गलत चोर का भी कहेगा कि हम चोर हैं। अरे शराब का कहना है कि जहां विदेशी सरकार के साथ रहते हैं हाँ। तो नहीं ले, मतलब नहीं लगता, जैसे हम हटते हैं हाँ। जैसे बीजेपी से मेरा हटता है वैसे ईडी सीबीआई का छापा मेरे, वो बात नहीं, आज उसके पास में थोड़ी है कितने नीतीश जी तेजस्वी के जोड़े थे ईडी, केजरीवाल अगर चोर है, तेजस्वी यादव चोर है, तब विजय माल्या मतलब भ्रष्टाचार जोरो पार्टी होता है, भ्रष्टाचार जोरो और पार्टी, उसको पार्टी में चल गया भ्रष्टाचारी सब निमन हो गया, सब हो गया भ्रष्टाचार जोरो पार्टी है बीजेपी। हाँ क्या हुआ युवा लोग बताइए। यहाँ से नालंदा विधानसभा क्षेत्र से संदीप सौराव एकदम पूर्ण बहुमत से जीत रहा है। क्यों ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि कौशलेंद्र कुमार यहाँ के नालंदा के लिए कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, गाँव में कौशलेंद्र प्रसाद 15 साल आ गए और चलिए जब गांव में घुमा दीजिए, आधा आदमी नहीं चिंता, नहीं चिंता। आखिर क्यों 10 साल नहीं काम? काम तो छोड़ दीजिए, चिन्ह में नहीं करता है तो काम क्या करेंगे? कौशलेंद्र प्रसाद को चिंते हैं, आधा आदमी गांव में नहीं चिन्ह, आधा की कुल है ना, एको आदमी ने गांव में चिन्ह, एक नीतीश कुमार यहाँ आए थे तो 500 भीड़ नहीं था, उससे ज्यादा तो तेजस्वी यादव हल्ला खाली होता तब 10 गुना भीड़ आ जाता है। नीतीश कुमार यहाँ पर सभा हुआ था कल, उसमें 500 भीड़ नहीं था, आप लोग देखें कुल्हे कुर्सी खाली था, और कुल्हे आरजेडी के समर्थक था उतनों में था, जे कुल्हे था, इसलिए नीतीश कुमार इस बार
खत्म हो जाएंगे बिहार से। गढ़ है, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, क्या लग रहा है इस बार 400 पार होगा? राज बदलेगा, ताज बदलेगा, इस बार दिल्ली के सरकार बदलेगा। क्या बदलेगा? राज बदलेगा, ताज बदलेगा, इस बार दिल्ली के सरकार बदलेगा। लेकिन भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार एकदम, मोदी जी बिल्कुल भ्रष्टाचारी आदमी है, बलात्कारी आदमी है, बलात्कार लोग के सेवा कर खाली इस देश में कैसे? अरे कहा नहीं करते, अमित शाह के बेटा कहाँ है? कई बार बॉल पकड़ा है, बैटबॉल खेला है, कई बार खेला है। अमित शाह के बेटा कहाँ है? बोलते कांग्रेस 70 साल में परिवारवाद की लूट ले गई। अभी तो मोदी जी का सिफारिश कर रहे थे, उनका गांव में रोड गया है, परिवार रहेगा ना। भोकला परेशान गांव है, अभी गांव भोकला पर से बोल रहे थे, भोकला परेशान गांव है कि अभी रोड नहीं गया। बोलते हैं क्या मोदी जी करेंगे? डॉक्टर के बेटा, डॉक्टर के बेटा है तो वो अपन बाल बच्चा के नहीं चाहता कि हमको बेटा डॉक्टर बने, वो नहीं चाहता है कि हम क्या। हम बोलना चाह रहे हैं, आप परिवारवाद पर कहे तो हम सोचते हैं कि जो चिराग पासवान जो अति मोदी के हनुमान हैं, मोदी के हनुमान हैं, हनुमान हैं, तो उनका पूछिए कि कौन परिवारवाद हैं, के वो के टिकट दिए हैं बॉयली के? टिकट नहीं दिए, केरला दिए हैं, बताइए। अपने लड़ रहे हैं, अपने लड़ रहे हैं ना, हाजीपुर से अपने बहनोज के लड़ा रहे हैं, लड़ा रहे ना, एक आओ कहीं भी बताइए। परिवारवाद कौन है? परिवारवाद है मोदी, परिवारवाद है मोदी। अमित शाह के बेटा लड़ रहा है, साथ ही सीपी ठाकुर के बेटा लड़ रहे हैं, सब तो परिवारवाद में लड़ रहे हैं। जनता ने बताइए, मिसा भारती चुनाव नहीं लड़ते थे? सब दिन लड़ते आ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। अबरी पार नहीं होंगे, उनका गंगा पार कर दिया सब जनता, गंगा पार हो गए। 370 से कोई फायदा? राम मंदिर बना, 370 कोई राम मंदिर से होगा? हमारा रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। हम पूछ